सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सप्तम दिवस जो आता है माता कालरात्रि का है। सातवें दिन माता कालरात्रि की पूजा होती है। कालरात्रि को लाल रंग से तिलक सिंदूर लगाते हुए काले वस्त्र धारण किए हुए माता हाथ में तलवार सिंह की सवारी और मुंडों की माला पहने हुए माँ भगवती का जो स्वरूप है, भगवान शिव भी उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि माता कालरात्रि दुष्टों का संहार करने के लिए प्रकट हुई है। और दुष्ट कौन से हैं? जो विषय विकार हमारे हृदय में विराजमान हैं, जो हमको पूजा से दूर ले जाते हैं, सात्विक कर्मों से दूर ले जाते हैं, तो अवश्य समझिए कालरात्रि की पूजा करने से हमारे मन के विषय विकार भी एक राक्षस के रूप में जो प्रकट हो जाते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। माँ भगवती को शहद चढ़ाया जाता है और ये कामना की जाती है कि माँ कालरात्रि हमारे हृदय में या हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई काल का भय है, कोई कष्ट है, कोई डर है, तो वो दूर हो जाए। और शत्रुओं का विनाश करने वाली माता कालरात्रि विशेष ही फल देने वाली है, विशेष लाभ देने वाली है। इस प्रकार ओम श्रीम कालरात्रि नमः इस प्रकार मंत्र का जाप करें और 108 बार मंत्र का जाप करते हैं तो अवश्य माता कालरात्रि कृपा आपको प्राप्त हो जाती है।